सरकार पर सियासत करना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पड़ा भारी। गिरिराज सिंह को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की दो टूक नसीहत। इफ्तार पार्टी को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं पर निशाना साधना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भारी पड़ गया है। अपनी इस हरकत के चलते गिरिराज सिंह अपनों के बीच ही घिर गए हैं। इफ्तार मनाने को लेकर उनके बयान पर न सिर्फ बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठाए हैं, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ताकीद की है। दरअसल जेडीयू के इफ्तार पार्टी पर तंज कसने के मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गिरिराज सिंह की फोन पर क्लास लगाई है। गिरिराज के ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए अमित शाह ने भविष्य में इस तरह के बयान या ट्वीट नहीं करने की नसीहत दी है। एनडीए के सहयोगी दलों के खिलाफ गिरिराज के बयान से खफा शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस तरह की गलती फिर दोहराई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। उधर जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि खबरों में रहा जा सके। यही नहीं, जेडीयू के नेताओं ने गिरिराज सिंह के खिलाफ बीजेपी से कार्रवाई करने की भी मांग की थी। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि गिरिराज ने क्या ट्वीट किया है ये हमें नहीं मालूम, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि इफ्तार का आयोजन भी करता हूं और होली मिलन का भी। सीएम के घर पर हर साल खरना का भी आयोजन होता है। गिरिराज पर तंज कसते हुए सुशील मोदी ने कहा कि हम इफ्तार भी करते हैं, फलाहार भी करते हैं और खरना में भी भाग लेते हैं। जो लोग तंज कर रहे हैं वो होली का भोज भी नहीं देते, इफ्तार तो दूर की बात है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू की ओर से आयोजित उस इफ्तार पार्टी पर तंज कसा था जिसमें एनडीए के तमाम नेता शामिल थे। साथ ही अपने ट्वीट में गिरिराज ने लिखा था कि कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पर फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। वो यही नहीं रुके और आगे सवाल किए कि अपने धर्म कर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रहते हैं। लेकिन गिरिराज को ऐसा करना भारी पड़ गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।